काली काली आंखें, टुरुरु टुरुरु, ये गोरी गोरी गाल, ये तीखी तीखी नजरें। ये पिंपल वाले गाल नहीं। दोस्तों ये छोटी सी जो झलकी है ये मेरे लास्ट ईयर की है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। पहले मम्मा बेटू हम लोग बैठ के ये सारे काम बहुत करते थे, बहुत सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें हैं। और उस समय इनके ये सामने के टीथ जो है चूहा ले गया था, तो आप लोग बताइएगा जरूर कि ये कैसा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों 26 जनवरी बीत गई, बसंत पंचमी भी उसी दिन बीत गई, और हम लोग जो है अपने अपने काम में इतने बिजी थे कि आप लोगों को ठीक से उसकी शुभकामनाएं भी नहीं दे सके, और जो हमेशा हर साल कुछ ना कुछ हम लोग बसंत पंचमी पर करते हैं वो खास भी नहीं कर सके। कोई बात नहीं, हम लोग खास तो हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उत्कर्ष की चूंकि छुट्टी भी हो गई थी 26 जनवरी के दिन और बसंत पंचमी भी उसी दिन थी, तो पढ़ाई वढ़ाई से तो उतना इनका वास्ता नहीं था। जबकि इनकी मैडम का फोन आया था कि भाई थोड़ा सा कंपटीशन है, टफ है, आप लगी उसके साथ। तो मैं सब छोड़ छाड़ के एकदम पूरा टाइम टेबल बना के कि हाँ मुझे ये उत्कर्ष के साथ करना है। लेकिन आजकल के बच्चे होते हैं ना कि उनका ये बहुत तेज चलता है, जब इनको इनके सिर पे बारी आती है कि इनको ये इतना पार्ट करके रख देना है या इतना कंप्लीट करने के बाद ही ये कुछ और करेंगे, तब जो है ये फटाफट फटाफट अपना करके किनारे हो जाते हैं। और फिर वही शिकायत कि मम्मा आप स्कूल में भी मैं पढ़ के आता हूँ, घर में भी आप पढ़ा देती हो, मैडम भी बहुत सारा वर्क करा देती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हैं, वहाँ भी खेलने को नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ खेलो। और हमेशा इनकी शिकायत होती है कि पहले आप मेरे साथ गेम्स खेलती थी, ब्लॉग में आप मेरे साथ गेम्स खेलती थी, और प्लीज़ अब मेरे साथ कुछ खेलिए ना। और हाँ, मैं पिछले साल तो बहुत इसके साथ कुछ खेला करती थी और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है, तो सोच रही हूँ कि आज भी कुछ गेम खेला जाए और आप लोगों के साथ मैं उसे शेयर करूँ। सो क्या गेम खेला जाए भाई, एक जगह पे बैठ के। पहले भी हम लोग अंताक्षरी खेल चुके हैं, और अंताक्षरी में उत्कर्ष को बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स देखो आते नहीं हैं, लेकिन इधर भी जो इंडियन आइडल और ये सब कुछ सुनते रहते हैं वहीं पे, जब हम लोग खाना वाना बनाते हैं खाते पीते हैं तो वो टीवी में चलता रहता है। तो मुझे इस बार तो उम्मीद है कि एक साल में कुछ तो न्यू सॉन्ग्स इसने सीखे होंगे। तो हम सिर्फ कॉम्पिटिशन कह लीजिए या मज़ा कह लीजिए, हम बस इतना करते हैं कि उत्कर्ष कोई भी एक सॉन्ग गाएंगे, वो जो भी लास्ट वर्ड छोड़ेंगे उससे मैं सॉन्ग गाऊंगी, और फिर मैं लास्ट वर्ड छोड़ूंगी उससे उत्कर्ष के गाने की बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा इनके गाने नहीं है, इनको इतना नहीं आता है। बस यही होगा, विद इन टाइम मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तुरंत गाना स्टार्ट कर दूंगी, और अगर मैं मिस कर देती हूँ तो मैं एक पॉइंट हार जाऊंगी। बस यही हमारा आज का गेम है। आप रेडी हो? हाँ। पक्का? हाँ। आते हैं आपको सॉन्ग्स? हाँ। ठीक है, सुर में गाना, ठीक है ना, बेसुरा मत करना। जोश लड़ाई करने नहीं जा रहे हो, सुरों की लड़ाई है ये, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। आप ही गाओगे बेटा, आप गाओगे सारे सॉन्ग, आप ही गाओगे, मम्मा उसका लास्ट वर्ड से तुरंत के तुरंत गाएगी। ओके चलो शुरू करो। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल भी भरा नहीं। बेसुरा गाया है ही से। हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। सेकंड जल्दी से शुरू करो। टिक टिक टू। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सासे गाना है। सावरी सलोनी तेरी झील से आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। सावरी सलोनी तेरी झील से आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल।
गाना नहीं सुनाया ना तुमने? ला। तुमको ला से नहीं गाना है, तुम अपने मन पसंद का गाओ। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, ओ खुदा के बीए से तू दुआओं का है घर मेरी माँ, प्यारी माँ मेरी माँ। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, गुस्से में बन के चल दिए तन के, भला जवाब तुम्हारा नहीं है, भला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, ये हवा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना मेरी जाना। तुम्हारे ना एक्सप्रेशन एकदम वो टपोरियों वाले आते हैं भाई। ये हवा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना मेरी जाना। ये फिजा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना मेरी जाना। ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, जो दिया तूने दिल से दिया। ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, जो दिया तूने दिल से दिया। तू ही मेरी है किस्मत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। 3, 2, 1 स्टार्ट। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहना सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, बस स्टॉप स्टॉप। नहीं, कोई रीटेक नहीं। इतना गंदा गाया है तुमने कि मेरे कान फट गए। कैसा दिया तेरा इश्क भैया, ये क्या है? इनमें वापस से गाता हूँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग एक मिनट, वेट। गाना गाने के लिए सबसे पहले अपना सुर देखना चाहिए, कहीं से भी नहीं शुरू कर देते हैं। आपका या तो सुर नीचा होता है या थोड़ा ऊंचा होता है। वेट, मामा के साथ गाओ, देखो अभी तुम्हारा अभी सुर में आ जाएगा। केसरिया तेरा शुरू करो। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं, बीते लिरिक्स नहीं आती ठीक है, लेकिन अब गाओ जैसे मम्मा ने बताया वैसे गाओ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग ठीक है, मेरी तरफ ध्यान मत दो। हाथ लगाओ दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहना सारी तेरी खैर मनाऊं। तो सोचने तो दो, उसे कौन सा गाना है? छोटा उसे उत्कर्ष, छोटा उसे उल्लू। रुको मम्मा को सोचने तो, तुमने इतना गंदा गाया ना। तो गाना गा लूंगा उसे। गाना जरा अच्छा गाओ। मैं उसे जानता हूँ। And mama, 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 m
ये कंपटीशन तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा है भाई। एक तो इसके सुरताल लय, ऊपर से इसके अंडवंड गाने, मैंने तो ओंट 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 ये सुना ही नहीं है। हाँ? पुष्पा का गाना है, पुष्पा द राइड। और एक और गाना आया मेरे मन में, तेरी झलक शर्फी श्री वल्ली बातें करे जो हरफी। दोस्तों रिलैक्स, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं उल्टा पुल्टा गा रहा हूं। तुम मत गाओ ना यार। कुल मिला के तुम्हें, तुमने एंजॉय किया ना? हाँ, तुम्हारी शिकायत दूर हो गई। मम्मी मम्मी एक और बार मैं एक गाऊं। यार तुम इतना बेसुरा सा गा रहे हो ना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बस ओके, खुश हो गया कंपटीशन? हाँ। हो गया मम्मा के साथ गेम, एंजॉय किया? कौन जीता? इस बार मम्मी जीती बेटा। नहीं नहीं, मम्मा जीती है भाई, मम्मा जीती है। मम्मा जीती है। इतना चौपट गेम खेलने के बाद भी उत्कर्ष को ये जानना है कि कौन जीता। सुरताल लय की धज्जियां उड़ा दी गई, गाने कहाँ कहाँ के चूज किए इसने, एक्सप्रेशन फेस की ये कैसे देता है, है? So, दोस्तों मैं तो अब ब्लॉग का एंड यहीं पे कर दे रही हूँ। ब्लॉग का क्या छोटा सा फन फन हो गया है, थोड़ा सा मम्मा बेटू का टाइम स्पेंड हम लोग जैसे करते हैं वैसे हमने कर लिया है। और बस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कुछ इन्जॉय किया या नहीं किया, या आप लोग सिर्फ बोर ही हुए, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।